आज हम देखेंगे कि आपके पूर्वज यानी कि एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। इन तीन कार्ड्स को देखकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं कि आप इस समय बहुत परेशान हैं, वो देख रहे हैं आपको, रातों को नींद नहीं आ रही, आपकी सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके सपने कोई भी पूरे नहीं हो पा रहे, स्पेसिफिकली मैरिज से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम देख रहे हो आप राइट नाउ। या तो आपकी शादी नहीं हो पा रही, पक्की नहीं हो पा रही, या अगर आपकी शादी जिससे आप करना चाहते हो वहां नहीं हो पा रही, और जो शादीशुदा है भी उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलते हैं, एग्जैक्ट वो आपको क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द एम्प्रेस। तो वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आने वाले कल में आपकी सिचुएशन संभल जाएगी। स्पेसिफिकली मनी से रिगार्डिंग है। एंसेस्टर आपके पूर्वज आपको कहना चाहते हैं कि वह आपको अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जहां पर आप अपना विवाह करना चाहते थे या जहां पे आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, वहां पे फैमिली एक्सेप्टेंस होने वाली है, वहां पे आपका मैरिज फिक्स हो सकता है। ये उनके लिए होगा जहां पर मैरिज तक बात पहुंच गई है और किसी कारणवश पक्की नहीं हो पा रही है। एक बात और स्पेसिफिकली ये उन पर एप्लीकेबल होगी जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो लोकल नहीं है, उनके मैरिज पक्की होने के सबसे ज्यादा चांसेस इस समय राइट नाउ है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है। इट मींस दैट आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है आने वाले दिनों में। आप खुद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग सिचुएशंस बनने लग गई हैं। एंड स्पेसिफिकली मार्च, आप लोगों के लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, या नंबर थ्री, तीन नंबर और मार्च आप लोगों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा। दिस इज योर एंसेस्टर मैसेज। वो ये कहना चाहते हैं घबराइए नहीं, आने वाला समय आपका होगा।